आपको तो यहाँ ठीक रास्ता है और वो रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे जाएंगे इधर से क्रूज जाने के लिए पैसा एक दिमाग है हमारे विलास पार्क वाले एक्सप्लोर करके अगर होटल से मतलब क्रूज बाहर से भी जाने का रास्ता, लेकिन मेरे बनारस में देसी जुगाड़ है ना कि उसकी अलग ही बात है। बनारस में देसी जुगाड़ है कि तो हे गाइस हम लोग आ गए हैं अभी हम लोग आ गए हैं रविदास पार्क में। तो आज हम आप लोग को बनारस का रविदास पार्क एक्सप्लोर करने वाले हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि रविदास पार्क जो है ये बनारस का सबसे अच्छा पार्क है। एक पार्क और बनाया अभी वहां जाना है क्योंकि इससे बेटर पार्क वो भी है, पर ये सबसे पुराना पार्क है और मैं दिखाता हूँ अभी आपको एक्सप्लोर कराता हूँ पूरा कि रविदास पार्क में क्या होता है, कितना घूमने की जगह अच्छी है, ये क्या है सब मैं एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। पॉइंट है यहाँ पे ये सारी चीज आपको दिखाना चाहते हैं। बनारस के लवरिया पॉइंट में एक फेमस जगह है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जगह है यहाँ पे, जैसे ही आप एंट्री लेंगे इधर से, यहाँ पे एंट्री आप जैसे ही लेते हैं तो ये जगह पहले आपको दिख जाएगा रविदास जी की, गुरु रविदास जी की प्रतिमा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्रतिमा कितनी अच्छी बनी है। उसके बाद साइड में इधर साक्षी दुबे जी हैं और मैं इधर से दिखाता हूँ इधर हाँ पेड़ पौधा फूल वगैरह बहुत चीज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं और अभी चल रहे हैं एक्सप्लोर आपको कर रहे हैं पूरा दिखाते हुए। और देखिए आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, क्या इस रविदास पार्क का खास बात है और क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको खास है, क्या बोलते हैं सर क्या रहस्य है, यहाँ का क्या रहस्य है, क्या रहस्य है इसका रविदास पार्क का। वैसे तो ये सब ये बोला नहीं चाहिए, बस यहाँ का रहस्य ऐसा है कि ये बनारस का लवेरिया पॉइंट के लिए ये पार्क बहुत ज्यादा फेमस है। बच्चे माँ बाप अपने बच्चों को इस पार्क में भेजने के लिए बहुत डरते हैं। बस तो अभी ये देखो ये जगह यहाँ पे अभी काट छाट चल रहा है भैया लोगों का और इधर ये दुबे जी इधर चल रही हैं। तो यहाँ पे एकदम हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहती हैं, भैया लोग सारे लोग कटाई छटाई चल रहा है, अच्छी चीज़ होती है जो आप समझ रहे हैं। तो फिर अभी हम चल रहे हैं आपको दिखाते हैं कि बहुत सी चीज़ें यहाँ पे और चीज़ें होती हैं जो एक्सप्लोर कराते हैं। और ये इधर का ये वाला ग्राउंड है, पार्क बहुत सुंदर है, बस यहाँ पे आने वाले लोग सुंदर नहीं है, उनका दिल साफ नहीं रहता, वो एक निगेटिव चीज़ को लेते हैं यहाँ पे। वरना ये पार्क बच्चों के लिए के फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा बड़े में भी है, एक यहाँ का बेस्ट पार्क है। बस यहाँ पे कुछ कमीने लोग आ जाते हैं ना इस पार्क को बदनाम किए जाते हैं। तो अभी और पॉइंट इसको बना ही दिए हैं एकदम। तो इधर आपको दिखाते हैं और बहुत एक्सप्लोर करके, और ये है ये जगह पूरा इधर देख रहे हैं पूरा जगह है सारी चीज़ें। यहाँ पे हर्बल वाटिका लिखा है और आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, साधारण नाम अजवान कुछ है, वैज्ञानिक नेम कुछ और है, सारी चीज़ें देखिए लगा हुआ है। तुलसी माँ का भी कुछ यहाँ पे प्लांट्स अच्छे अच्छे लगे हुए। अब ये लोग अच्छी चीज़ें यहाँ पे नहीं देखेंगे, बहुत लोगों को ये एरिया ही नहीं पता होगा यहाँ पे, तो ये एरिया नहीं पता है। एरिया से आए होंगे, लवेरिया पॉइंट देखे होंगे, चले गए होंगे। एक मिनट फोन कैमरा देना हमको भी दिखाओ। अब तुम आगे से चलना, हम बनाएंगे हमारा। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ पे आते हैं सच में बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही मस्त लगता है। तो मैं आपको और एक्सप्लोर क्योंकि यहाँ पे इतना नेचुरल वेव है ना, मतलब इतने पेड़ पौधे, तो जो ऑक्सीजन की कमी लोगों को कमी हो रही हो तो वो यहाँ पे आई है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, प्लीज साइड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोग ऐसे ही सीट रहते हैं जैसे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और ये ऐसे ही यहाँ पे बैठे रहते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े में है, और यहाँ से फिर ये रविदास वो क्या यार घाट, ये रविदास घाट अगर आप उसको क्या बोलते हैं, हमें वो बोलना नहीं क्रूज अगर आपको क्रूज पे भी यार आना। देखो पार्क तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, बहुत प्यारा है, बट यहाँ पे आने वाले कुछ लोग ऐसे ही रहते हैं बेशर्मों के जैसे, जो तो झाड़ियों में बैठ जाते हैं। पार्क खेलने कूदने के लिए योगा के लिए बना रहता है, मगर ये लोग कुछ और ही चीज़ के लिए बना देते हैं। अब थोड़ा सा दूर अपना काफिला हम आगे बढ़ाते तो फिर हमें एक भैया और दीदी दिख जाते, अब क्या करें, इनके पास पैसा तो है नहीं कि कहीं और जाए, इसलिए पार्क में ही आके बैठ जाते हैं बेशर्मों के जैसा। अब इन्हें ये नहीं समझ आता है किससे बच्चों पर जो खेलने के लिए पार्क में आते हैं, फैमिली आती है, उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। खैर कोई नहीं, हटाऊं
गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तो हम आप लोग को दिखाए हैं। मैं आपको भी क्रूज दिखाता हूँ, ठीक है? और अब हम लोग यहाँ से क्रूज वाला रास्ता दिखाते हैं जो यहाँ से निकल रहा है। तो आप अगर आते हैं यहाँ बनारस घूमने उमने तो इस पार्क में जरूर आए, लेकिन अपने फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि पार्क ऐसा नहीं है, बट हाँ आ सकते हैं। पार्क बहुत बेटर है, बनारस का सबसे अच्छा पार्क लोग रहते हैं जो कमी में रहते हैं। अस्सी घाट से सटा हुआ है, तो मैं आपको क्रूज का रास्ता इधर दिखा देता हूँ। अगर ये रविदास घाट की तरफ भी जाता है, अगर आपको क्रूज जाना हो तो यहीं से दिखा दी। हाँ मैं यहीं से दिखाती हूँ। ये है क्रूज जो कि लोग यहाँ से एंट्री मारते हैं, और ये है रविदास घाट का, रविदास घाट। चलो तो फिर और इधर लगा है क्रूज, तो जितने क्रूज वाले लोग रहते हैं वो लोग यहीं पे आते हैं और यहाँ से एंट्री करते हैं। ये है क्रूज का रास्ता। आप अगर अंदर से आते हैं इधर से, तो यहाँ से आप क्रूज यहाँ पे आप देख रहे हैं, वहाँ दो दो क्रूज खड़ी है, क्योंकि बनारस बहुत प्रोग्रेस कर चुका है। दो उधर है, तीन चार उधर है, चार। और उधर तो अलग ही खड़ी है। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, क्रूज का भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए, ये अभी नया नया मतलब घाट बना है, बहुत अच्छा घाट है। यहाँ पे स्टंट वगैरह भी होता है, सारी चीज़ें होती रहती हैं। और फिर हम लोग चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखिए घाट, इधर का पूरा एक्सप्लोर। और कहाँ एक ग्राउंड इधर भी है, और यहाँ जिसके पास टिकट नहीं रहता वो ऐसे चढ़ता है टिकट वाले। उधर भी लवेरिया पॉइंट है भाई, एक लाइन से यहाँ पे बैठे तो आप लोग देख सकते हैं। रविदास पार्क में, सिर्फ यही होता है, यहाँ पे एक एक झुंड बना के लोग एक एक पेयर में ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं शूट करने, ठीक है? आरसीआर नहीं चाहता है कि हम ऐसे किसी का बाई फेस, मैं बाई फेस किसी का फेस नहीं दिखा दी, बट हाँ मैं दिखा रही थी कि सबको नहीं पता है, सबको सब बताना पड़ता है कि नहीं गुरु? अब जब एक बात बताइए आप लोग, वो लोग करने में शर्मा नहीं रहे हैं तो हम दिखाने में क्यों शर्माएं? अगर इस बात से आप लोग अग्री करते हैं तो प्लीज मेरे सपोर्ट में हाँ बोलिएगा। पॉइंट की मेरे पे वो भी चश्मा लग चुका है, तो आप लोग को बताना चाहते हैं आरसीआर को चश्मा लग गया अभी, मतलब इसका ये सिर दर्द होता है थोड़ा सा, इसलिए एक आंख से थोड़ा ब्लर -0.25। ओके, और इसका सर भी दर्द हो रहा था इसलिए इसको चश्मा लग चुका है। अब हम राहत भी आने वाला है, बोला है आने वाला है। कैमरा और करूंगा शूट, आप देख लिए पूरा एक्सप्लोर। और सामने का मशीन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन देखिए यार देखिए क्या होता है ना कि ये अच्छी काफी चीज है, ठीक है? इतना नेचुरल चीज है, इतना मतलब पेड़ वगैरह सब कुछ है कि ऑक्सीजन, मतलब जैसे बहुत जिसका माइंड डिस्टर्ब हो यहाँ पे आ जाए तो बहुत शांति मिलता है पार्क वगैरह में आके। बट यहाँ पे ना इतनी लोग गंदगी बचा रखे हैं, यहाँ के कपल जिनको शर्म नाम का चीज़ नहीं, वो सोचते हैं कि ऐसे पब्लिक प्लेस में आके सब बदतमीजी करते हैं। ये भौकाल मचाई हुई है तो इधर, हाँ यूट्यूब पे तो दोनों लोग झूलना झूलने, देखो तोड़ मत देना। और यहाँ पे मेरा छोटा भाई आ चुका है, अभी हम तुमको ही वेट कर रहे थे बनाना है वीडियो। मजा तो गर्मी का मजा ले रहा है भाई, चलो अब होगा सूट। राहत भाई आ गया, आर्मी वाला भाई, और आपको एक्सप्लोर तो करा ही चुके हैं। परपोज दे लो, आरसीआर कटोरी लेके आया है। अरे आरसीआर नहीं, राहत कटोरी लेके आया है। जब लोग बचपन में इसको कटोरी करते थे, यहाँ पे मून चिप्स लिखा हुआ है। मून चिप्स खा रही हैं, और तुम क्या खा रहे भाई? लाई चना। लाई चना राहत भाई खा रहा है, लाई चना लगे हुए। माजा इधर रखा हुआ है, गर्मी में ले रहे हैं माजा, गर्मी में ले रहे हैं माजा माजा। उत्तर प्रदेश में देखो ये होता है कि नकलिया, इधर तो कोई चिट फेंकेगा, इधर से बोर्ड एग्जाम हो रहा है और राहत जी बैठे हुए हैं, और इसमें एकदम तुपा गई हैं। मेले नहीं रहा था मेरा वाला, देखो जैसे भिखारी लग रही हैं, ऐसे ही रहते लफंगे लड़के। अरे बस करो बस, बताइए कुछ हुआ? बोलो कुछ, पता रही, बोलो कुछ दो चार शब्द अपने बारे में। MBBS के स्टूडेंट लगे, MBBS मुन्ना भैया।
गुस्सा। ओ इसकी मम्मी इसकी जरूर देखे वीडियो। आंटी जी ये देखिए आपके पास वीडियो जरूर जाती होगी। ये बात बात पे गुस्सा हो जाती हैं और अपना चश्मा तोड़ दी हैं। और इनको देखिए आंटी जी, इनको समझाइए क्योंकि ये ब्लॉग हम डालेंगी और ये ब्लॉग आप पे जाएगी क्योंकि ये हम हो गए हैं रेडी। दुबे जी हो गए हैं रेडी। ये हमारा है टाई और ड्रेस। देखो कितना मस्त लग रहा है हमारा ड्रेस और टाई। और राहत का भी ड्रेस, अभी राहत भी एक शूट करेगा और राहत के लिए भी आज एक वीडियो बनेगी। एक इसका पेज आया हुआ है दभैया जी करके, सब लोग उसी भी आप लोग अगर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और ये है दुबे जी, इनको तो पहचान रहे हैं अपना अपना। देखो वो स्क्रिप्ट। तो गाइस यहाँ पे हमारा एक शूट हो गया कंप्लीट और एक शूट हम लोग जा रहे करने दूसरा शूट। और आरसीआर के फोन में हम डाल दिए 500 अंड का बंड, अंड का बंड। अब वो 5 मिनट बाद खुलेगा, लॉक हो गया है। आरसीआर गुस्से में है, उबल रहे हैं एकदम। कैसे लग रहे हैं आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। देखिए एक स्टूडेंट लग रहा है टाई वाई लगा के एकदम। आरसीआर प्रोडक्शन हाउस में ये सब भी आता है। सस्ता प्रोडक्शन हाउस नहीं है, यहाँ शूट होता है ना तो सारे सिस्टम के साथ। और ये देखो 500 रुपया भी लगाई है दीदी, नकली है। अरे नकली है तो क्या हुआ, देख लो भैया चिप्स चिप्स। सो गाइस हमारा व्लॉग हो गया है कंप्लीट यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, हम प्रस्थान कर रहे हैं। अरे हमारा व्लॉग नहीं मतलब हमारा शूट हो गया कंप्लीट, तो हम अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हम आ गए हैं भैया के शॉप पे चाय पीने। शाम का टाइम है, कितना भी गर्मी लग रहा है मगर शाम के टाइम थोड़ा थोड़ा ठंडी लग ही रहा है। और फिर वहाँ पे हमको थोड़ा प्लांट्स दिख गए हैं तो अभी चाय पी के हम जाएंगे थोड़ा पेड़ पौधा लेने के लिए। उसके भी हम थोड़े शौकीन, इधर काला आ रहा है तो चाय पी लेते हैं। ये एकदम चाय बहुत सर्दी जगह है, कौन सा वो है कभी कभी आप लोग स्ट्रीट चाय पिया करिए, वो कैफे में ज़्यादा मज़ा देगा स्ट्रीट चाय आपको, कपड़ी वाली चाय। ये गर्मी में सूखता है कि नहीं? नहीं भैया नहीं, नहीं, गर्मी का पौधा ही है ये पूरा। ये बड़े सब का पौधा है, कभी सूखेगा नहीं जल्दी। बहुत प्यारा भी लग रहा है ये। तो एक दो तीन, तीन पौधे हो चुके हैं। गमला वमला लेना है देवी जी आपको? हाँ अपने मम्मी को कल फूल लेने में शर्मा रहे थे तो आज पूरा पेड़ ही खरीद डाले अपनी मम्मी के लिए। पूरा गमला ही ले लिए, बस गुलाब नहीं मिला मगर ये रेड कलर का फूल जरूर मिल गया। घर की तरफ प्रस्थान कर रहे घर की तरफ क्योंकि प्लांट पौधा थोड़ा मेरी मम्मी को काफी पसंद था तो थोड़ा लक्षण आ गया मेरे अंदर भी, इसलिए हमको थोड़ा पसंद रहता है ये सब। बस यही है कि सूख जाता है तो बड़ा तकलीफ होता है। खैर कोई नहीं, बड़ा प्यारा लग रहा है, नजर लगे किसी का। हम लोग आ मतलब सो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पे और ये बाल एकदम धुल वुल लिए थे यार और ऐसी चोटी कर ली है, पूरा कर्ल हो गया। तो आज हमारे साथ ब्लॉग में है तेजस दुबे। क्या कहोगे, कुछ बोलोगे? हाँ। क्या मोबाइल? क्या मोबाइल? मोबाइल चाहिए। मोबाइल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम गंदे बच्चे हो गए हो ना इसीलिए। कौन सा फोन चाहिए? अच्छा ये बता दो कौन सा फोन चलाओगे, ओप्पो वाला क्या आईफोन? ओप्पो वाला। आईफोन नहीं चलाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे व्लॉगिंग हो रहा है। ओप्पो वाला? ओप्पो वाला तो नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। पहले आईफोन चाहिए। आईफोन? आईफोन तो नहीं मिलेगा तुमको। क्यों? तुम पहले हमको चॉकलेट दोगे तब ना। पहले क्यों हिला रहे हो? पापा आ रहे हैं। पापा आ रहे तो पापा को जल्दी बुलाओ। तेजस ऑफिस गए हैं। ऑफिस गए हैं? अच्छा पहले बोल दो आई लव यू। बोलो आई लव यू। आई लव यू। तेजस तुम हमको कितना प्यार करते हो? कितना प्यार करते हो हमको? बढ़िया से कितना ढेर सारा प्यार करते हो हमको? एक बार करके दिखाओ फिर देगी फोन। एक बार करके दिखा दो। ऐसे करते हो? अच्छा एक पप्पी दे दो। अच्छा बोलो बोलो गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अब बोल दो हम भी अब रोज व्लॉग बनाएंगे। हम भी रोज बनाएंगे व्लॉग। बोलो ठीक है। बाय बाय। बाय बाय। बोल दो लव यू। बाय। बोल दो लव यू। बाय। लव यू बोलने में शर्म आ रहा है। अच्छा बोल दो हर हर महादेव। हर हर महादेव। राधे राधे। राधे राधे। बाय बाय।